नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं टोनी, चैनल हेड। आज का सब्जेक्ट है द डेवलपमेंट इन इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बिल्स पास हुए, कुछ पॉलिसीज इशू हुई इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जिससे जनरल पब्लिक का फायदा हुआ। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं RTI से। जी हाँ, RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इट वॉज पास इन द ईयर 2005। अब RTI के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा आप लोगों से, थोड़े से मैं बता देता हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी एक आम आदमी या जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ भी पूछ सकता है, डिफेंस को छोड़ के। जुडिशियरी एंड डिफेंस को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया है RTI के अंडर में, लेकिन अदर देन दिस जुडिशियरी एंड डिफेंस, आप RTI के अंडर में कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से, ऑफिस से। 10 रुपये की स्टैम्प लगाइए, 10 रुपये की एक फॉर्म आता है, उसमें आप पेमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं। आप RTI के अंडर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से, डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन ऑन 12th May 2005 एंड इट गॉट प्रेसिडेंशियल का जो स्टैम्प था, अप्रूवल था, इट वॉज रिसीव्ड ऑन 12th October 2005। आई रिपीट, 12th October 2005 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 2005 से लेकर। दिस वॉज अबाउट RTI। अंडर द प्रोविजन्स ऑफ RTI एक्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, अ गवर्नमेंट ऑफ बॉडी और इंस्ट्रूमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछ सकता है। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट अबाउट RTI। RTI वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005, लेकिन इन 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और अच्छी पॉलिसी निकाली थी करप्शन को रोकने के लिए, फ्रॉडुलेंट सिस्टम को कम करने के लिए, एकदम ख़त्म करने के लिए। उस एक्ट का नाम था विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011, यानी कि 2011 में। ये विसल ब्लोअर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता चल रहा है कि जिस गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पर भी आसपास में कुछ करप्शन हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्ट्स या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप एज अ विसल ब्लोअर मतलब सीटी बजाना, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, CBI को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं कि फलाना फलाना जगह पे ये करप्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जो क्रेडेंशियल्स है उसे लीक नहीं होने दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस की तरफ से आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। तो ये विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू पुट stop on corrupt activities in government offices. It was introduced in 2011. 2015 में एक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी निकाली गई थी, जिसका नाम था द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विसेज। यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, अगर आपको ग्रीवांस पुटअप करना है, तो आप इस पॉलिसी के अंडर में उस कंसर्न डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को या फिर महाराष्ट्र के कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं। उस पॉलिसी का नाम था महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उसमें अगर आपको सर्विस में कुछ भी डेफिशिएंसी नज़र आती है या फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं करप्शन एक्टिविटी से, तो यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया। कंप्यूटर्स वेयर इनिशिएटिव लिया था द देन प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर राजीव गांधी इन द ईयर 1984, जब वो पावर में आए थे, इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। तो राजीव गांधी जो थे वो मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे इंडिया में, तो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन को पुश किया था, और धीरे धीरे करके राजीव गांधी के ज़माने से लेकर आज तक इंडिया में कंप्यूटराइजेशन का ज़माना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, हवाई जहाज़ में, प्लेन में सफ़र करना सबको अच्छा लगता है, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि कहीं कभी ना कभी मैं प्लेन में सफ़र करूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ एयरलाइंस की। द फर्स्ट एयरलाइंस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड, द इनिशिएटिव वॉज टेकन इन March 1953। पार्लियामेंट पास द एयर कॉरपोरेशन एक्ट विच वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टैट्यूट बुक, एंड May 28, 1953 को इंडियन एयरलाइंस यानी कि एयर इंडिया की स्थापना हुई थी, और 1st August 1953 को पैसेंजर्स के लिए खोला गया था।
तो 1 अगस्त 1953 बिकेम द हिस्टोरिकल डेट, क्यों? क्योंकि इंडिया में हवाई जहाज सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर इंटरनेट किसी भी घर या ऑफिस में ना हो तो बहुत परेशानी होती है, ऐसे लगता है ज़िंदगी थम सी गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, जो इनिशिएटिव लेके आता है इंडिया में 1986 में। हालांकि 1986 में जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, तो बहुत ही कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये फैसिलिटी दी गई थी। पहले एजुकेशन सेक्टर में आया था, इसके बाद धीरे 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 करके 2G 3G 4G, अब 5G की बातें चल रही हैं। तो इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी वाकई अधूरी लगती है। तो इंटरनेट को जो पुश किया गया था, इट वॉज इन द ईयर 1986। बाकी नीचे स्क्रिप्ट में आप इसकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं कैसे कैसे इसकी तरक्की हुई थी। इंटरनेट को आगे बढ़ाते हुए इसी सब्जेक्ट पे थोड़ी सी एडिशन मैं करना चाहता हूँ कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL जिसके नाम से हम लोग जानते हैं उनको, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर इंडियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेट ओन्ड VSNL ऑन अगस्त 15, 1995 में शुरुआत हुई थी इसकी, जिसने इंटरनेट को काफ़ी आगे पुश किया था। अब तो ज़माना ये आ गया है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए इसमें इंटरनेट के बिजनेस में, तो अब 2G 3G 4G एंड 5G तक का ज़माना आ गया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, आज से 50-60 साल पहले जब आप देखेंगे तो हमारी जो मम्मी की एज थी, जो मेरी मौसी चाची, इनकी शादियां जो भी हुआ करती थी इंडिया में, वो 15-16-17 साल की उम्र में शादी की कर देते थे लड़की की, और बाय द एज ऑफ 1920 वो 2-3 बच्चों की माँ बन जाती थी। तो धीरे धीरे इस चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर सख्ती लाने के लिए, तो ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ये बनाया गया था इंडिया में। इसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जिसको रोक टोक करने के लिए काफ़ी सख्ती से कानून लाया गया था इन द ईयर 2006। 1929 में कानून बना था चाइल्ड मैरिज के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी उसमें। लेकिन 2006 में जो कानून बना उसमें कम्प्लीटली चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया था अक्रॉस इंडिया। हर सरकार चाहती है कि उनकी इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़े, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं ड्यू टू सम फिनेंशियल कंपल्शन। लेकिन 2009 में एक कंपलसरी एक्ट पास किया गया था, दैट वाज राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि आपको बच्चों को कंपलसरी पढ़ाना है और फ्री में एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो एक्ट बनी थी 2009 में। इस एक्ट के अंडर में काफ़ी गांव-गांव में, छोटे छोटे शहरों में इंडिया में कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और लिटरेसी रेट धीरे धीरे अब आप देखेंगे तो इंडिया का बढ़ते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 2009। 27 मार्च 2014 ये हिस्टोरिकल डेट बनी थी मेडिकल साइंस में, बिकॉज 27 मार्च 2014 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की मेडिकल साइंस की, कि पोलियो से जो काफ़ी लोग बच्चे जो अफेक्ट हुए थे पूरे इंडिया में, काफ़ी सालों से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था पोलियो की वजह, पोलियो की वैक्सीनेशन की। 27 मार्च 2014 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम पोलियो। 2002 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को खोला गया था जनरल पब्लिक, जनता के लिए, और खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि जो लोग काफ़ी ट्रैवल करते थे मुंबई पुणे से, उनको 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो 94-95 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, उसको खोला गया था 2002 में, एंड दिस इज फुल्ली ऑटोमेटेड एक्सेस है इसके ऊपर। हालांकि टू व्हीलर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन बसेस को और प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ है। ऑफिशियली पुणे एक्सप्रेस, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का नाम है यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ था। मुंबई से नॉन स्टॉप अगर आप ड्राइव करके जाएंगे फ्रॉम मुंबई, सॉरी नॉट मुंबई बट ये पनवेल से लेकर, जो पनवेल के कलमबोली से स्टार्ट होता है, वहाँ से अगर आप जर्नी को पकड़ेंगे तो आपको पुणे में जाके छोड़ेगा विद इन 2 आवर्स नॉन स्टॉप ड्राइव अगर आपने किया तो। क्यों? क्योंकि ये 6 लेन की है, ट्रैफिक बहुत कम होती है इस पर और एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है।
तो ये जनता के लिए, जनता जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे मुंबई और पुणे के लिए, इट वाज अ बूम टू फॉर देम। इट वाज ओपन फॉर द पब्लिक इन 2002। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन में कर देता हूँ कि एक्सप्रेसवे इज नॉट पार्ट ऑफ NHAI हाईवे नेटवर्क, बट इट हैज़ बीन बिल्ट, ऑपरेटेड एंड मेंटेन होली बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वाया महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हमारे मुंबई वासियों के लिए एक और अच्छी खबर मिली। इट वॉज इन द ईयर 2013, 2013 जून में, 14 जून 2013 को चेंबूर से लेकर CST स्टेशन तक एक फ्रीवे खोला गया था, यानी कि फ्रीवे एक्सप्रेसवे, जिसको ऑफिशियली नाम था विलासराव देशमुख फ्रीवे। इट्स कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे इन मुंबई दैट कनेक्ट्स पी डेमेरल रोड से लेकर साउथ मुंबई को, और यहाँ पे चेंबूर से वो स्टार्ट होता है। 16.8 किलोमीटर है। हार्डली इट टेक्स 20 to 25 मिनट्स फ्रॉम चेंबूर टू CST। अगर थोड़ी सी ट्रैफिक होगी भी तो मैक्सिमम हाफ एन आवर लगता है, बट एक वरदान था हमारे डेली ट्रेवलर्स के लिए जो मुंबई और चेंबूर की तरफ या वाशी की तरफ से डेली ट्रेवल करते हैं। इसको कंट्रोल किया गया था। इट इज़ अ 16.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 1,436 करोड़। द ईस्टर्न फ्रीवे वॉज बिल्ट बाय द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि MMRDA, एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म है JNNURM। इट वॉज ओपन टू द पब्लिक ऑन 14 जून 2013। हैवी व्हीकल्स इसमें अलाउड नहीं करते हैं, टू व्हीलर्स को भी अलाउड नहीं करते, सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउड है। और इसमें काफ़ी टाइम बचता है, चेंबूर से लेकर CST यू कैन रीच विद इन 20 मिनट्स। यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे इज सिक्स लेन वाइड, एक्सटेंडेबल टू 8 लेन्स ऑल्सो, एंड 165.5 किलोमीटर्स लॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग पारी चौक इन ग्रेटर नोएडा विथ कुबेरपुर ऑन NH2 इन आगरा इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपने सुना होगा यूट्यूब पे, गूगल पे, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस जब इसे ओपन किया गया था तो काफ़ी लोग खुश हुए थे, क्योंकि इसमें ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया था। इट इज़ प्रेजेंटली इंडियाज़ थर्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे सिंस फरवरी 2017 से, जब से इसे ओपन किया गया था, थर्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। ये मथुरा रोड को कनेक्ट करती है। द एक्सप्रेसवे हैविंग प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 128.39 बिलियन वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 9 अगस्त 2012। आई रिपीट द डेट, हिस्टोरिकल डेट थी 9 अगस्त 2012 में इसे ओपन किया गया था बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मिस्टर अखिलेश यादव। अ टोटल ऑफ 13 सर्विस रोड्स ऑफ अबाउट 168 किलोमीटर्स हैव बीन बिल्ट फॉर लोकल कम्यूटर्स टू एक्सेस द एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे विल बी कनेक्टिंग विद ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे वाया एन इंटरचेंज विच इज़ बींग बिल्ट एट जगनपुर अफजलपुर विलेज नियर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि यूपी के लोगों के लिए, नोएडा के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी साबित हुई, क्योंकि इसमें ट्रेवल टाइम बहुत कम था, काफ़ी टाइम बचा इसमें लोगों का। 165.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये। दोस्तों, मेट्रो ट्रेन्स में सफ़र तो आपने सबने किया होगा, वेदर इट इज़ मुंबई और अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए होंगे तो वहाँ पे भी मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया होगा। उन्हीं फॉरेन ट्रेन्स की, मेट्रो की टक्कर की आज इंडिया में सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत खुशी की बात है। थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेट्रो को बनाया। मेट्रो के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नोएडा, गुड़गांव, नागपुर, ये जो नाम मैंने अभी लिए, यहाँ पे मेट्रो सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और बहुत सारी सिटीज़ और स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहाँ पे मेट्रो सर्विसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेट्रो आने के बाद एक और फैसिलिटी बढ़ गई थी इंडियन कम्यूटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो बाय रोड ट्रेवल करते हैं, दे हैव स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय मेट्रो बिकॉज इट्स AC एंड फास्टर देन
कंपेरेटिवली बाय फास्टर देन द रोड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों आपने बहुत पुरानी पिक्चर निकाह डायरेक्टेड बाय बीआर चोपड़ा की देखी होगी। उस निकाह पिक्चर का पहले नाम था तलाक, क्यों? क्योंकि वो तलाक के ऊपर बेस्ड है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, हम किसी कम्युनिटी के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा जो फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में, किसी किसी मुस्लिम कम्युनिटी के जो अंदर भी डिविजन्स हैं, उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। किसी ने अगर तलाक 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 बोल दिया वर्बली रिटर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आजकल, तो वो तलाक माना जाता था और शादियाँ टूट जाती थी। तो ये बहुत बड़ी दुविधा थी लेडीज़ के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज़ के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया तो ट्रिपल तलाक, यानी कि ट्रिपल यानी कि 3 बार तलाक बोलने से जो शादियां टूट जाती थी उसे डिवोर्स माना जाता था। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट डिवोर्स एंड तलाक के मुगलज़ा इरोवकबल या डिवोर्स वॉज अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक डिवोर्स विच हैज़ बीन यूज बाई मुस्लिम्स इन इंडिया। It allowed any Muslim man to legally divorce his wife by uttering word talaq, the Arabic word for divorce, 3 times in oral, written, or more recently in electronic form. The use and status of triple talaq in India has been a subject of controversy and debate. Kafi debates and controversy chal rahi thi kafi saalon se. Those questioning the practice have raised issues of justice, gender equality, inequality, human rights, and secularism. The debate has involved the government of India and the Supreme Court, yani ki Honorable Apex Court of India, and is connected to the debate about a uniform civil code, Article 44 in India, and historical date Bani 22nd August 2017. The Indian Honorable Supreme Court deemed instant triple talaq unconstitutional. यानी कि ट्रिपल तलाक को इलीगल माना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट 3 ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, यहाँ पे भी ट्रिपल तलाक का सिस्टम बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। और पूरी दुनिया में approximately 23 countries ऐसी हैं जहाँ पर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। इंडिया ने भी इसे फॉलो किया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेड इट अ पनिशेबल एक्ट फ्रॉम 1st August 2019।